अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है K2 क्लब और मैं हूँ आपके साथ जवेरिया सिद्दीक और मेरे साथ मौजूद है हमारी दूसरी मेंबर रुमाना आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम रुमाना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा रुमाना, आज मैं कुछ बड़ा टायर्ड फील कर रही थी, गर्मी भी बहुत थी, डिप्रेस फील कर रही थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस डिप्रेशन को खत्म किया जाए और किस तरह से अपनी तबीयत को बहाल किया जाए। नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि हर जो दूसरा बंदा है, और रुमाना जिस तरह हम ये देखते हैं, वो ये कंप्लेन करता है कि मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इलाज क्या करना है। रुमाना, अब जाके हम ये काफी देखते हैं, नाज़रीन अगर आपसे भी हम ये बात करें, कि अब लोग फिर भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और बताते हैं कि जी मेरे सर में दर्द है या मुझे परेशानी है या मुझे एंजाइटी है या मुझे डिप्रेशन है, लेकिन पहले तो ये ट्रेंड था ही नहीं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि नए ट्रेंड जो है वो इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं, और आज हमने अपने ऐसे ही मेहमान बुलाए हैं जो कि आपकी टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन का जो इलाज है वो नई टेक्निक के साथ कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि जो हमारी K2 क्लब की मेंबर रुमाना है, वो एजुकेट होने के साथ साथ रेगी मास्टर भी है। इसके साथ हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर फैसल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये MBBS डॉक्टर भी हैं और इसके साथ साथ ये रेकी एक्सपर्ट भी हैं और माइंड साइंसेस एक्सपर्ट हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं लीना शमशाद, और लीना शमशाद जो हैं वो संदा सीख रही हैं और इसके अलावा शोबे के लिहाज से ये असिस्टेंट मैनेजर हैं। राजी, हम इसी हवाले से बात करेंगे कि परेशान तो हम हैं, हम ये देखते हैं कि इर्द गिर्द माहौल ऐसा है, कुछ दहशतगर्दी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, लेकिन अब इसका हल क्या है? अब सिर्फ रोने से या मेरे परेशान होने से तो मेरे मसले का हल नहीं निकलेगा। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि जो हम हर वक्त कहते हैं कि मुझे कुछ अनसीन फेयर है या मुझे टेंशन है या मैं खुश नहीं हूँ या मैं मुतमईन नहीं हूँ, इनका हल क्या? अच्छा लीना, मैं आपसे यहाँ पूछूंगी, आप असिस्टेंट मैनेजर भी एक हेक्टिक लाइफ गुजारती हैं, सुबह से रात तक काम होता है, कभी खुद आपने अपने आप को टेंस फील किया और डिप्रेस फील किया? आप खुद कभी रेकी लेने गई हैं? जी बहुत दफ़ा, चूँकि रेकी के अलावा मैं समदा की स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, लेवल इसके डिफरेंट लेवल्स हैं समदा हीलिंग एनर्जी के, तो लेवल 1 से 8 में कर चुकी हूँ। उसमें हर लेवल के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अक्सर जब मैं डाउन फील करती हूँ तो मैं उसका लेवल 1 जो सेल्फ हीलिंग जिन लेवल्स के थ्रू हो सकती हूँ मैं कर लेती हूँ, एंड बिलीव मी एंड ऑनेस्टली आई रियली फील गुड। अच्छा रुमाना, आप मुझे ये बताएं कि अब ठीक है, मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हैं, हम ये देखते हैं कि हर दूसरा बंदा जो है वो कंप्लेन करता है, कोई कहता है मुझे एंजाइटी, कोई कहता है मुझे डिप्रेशन है, कोई कहता है कि मुझे स्टमक में मसला है, आप लोग इलाज किस तरह की बीमारियों का करते हैं? देखिए मेरे पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं, एक तो वो होते हैं जिनको नींद की बहुत प्रॉब्लम है, नींद ना ये क्यों नहीं आती, ये तो अक्सर मुझे भी कंप्लेन होती है, मैं फेसबुक वगैरह पर लिख रही होती हूँ नींद नहीं आ रही, बल्कि अक्सर मेरे फ्रेंड लिख रहे होते हैं। जब से मैंने ये समझा हीलिंग एनर्जी की क्लासेस लिए हैं, मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगी है, अब मैं माशाल्लाह बहुत ज्यादा सोती हूँ। ये तो अच्छी बात है, सर गर्मी बिजली चली जाती है जिसमें सर लोग इतनी नींद नहीं आती, लेकिन मैं सो जाती हूँ। कल आपको तो इंटरेस्टिंग वाकया बताती हूँ रुमाना, फेसबुक पे दो लोगों ने अपना स्टेटस लिखा हुआ कि हमें नींद नहीं आ रही थी, अच्छा। जाग रहा था हमारे साथ बात कर रहे सब, ये देखें कि ये क्या है, मतलब पहले हम ये कहते थे कि आशिक आशिक जो है, आशिक के नाम मुराद, उनको नींद नहीं आती रात को, दूसरी अब क्या प्रॉब्लम है कि ये हम सबको क्यों नींद आती, ये क्या प्रॉब्लम? दूसरी बात ये की हम लोगों की जो एक लाइफ स्टाइल है हम लोग का, वो इतना आर्टिफिशियल हो गया है, हम लोग इतने स्टेटस कॉन्शियस हो गए की वो जो सिंपल लाइफ जो हमारे पिछले जमाने में जो हमारे बड़े बूढ़े जिस तरह से वो लाइफ स्टाइल था उनका, उस चीज को हम छोड़ते चले जा रहे हैं। नेचर जो है, नेचर से करीब नहीं है हम लोग, नेचर से दूर चलते जा रहे हैं हम लोग, काफी दूर चले गए हैं। यानी जो हमें जैसे लेट्स सपोज हमें वॉक करनी चाहिए तो हम ट्रेडमिल को प्रेफर करते हैं कि जी हम वॉक पे क्यों जाएं, हम लोग ये क्यों ना करें। अगर आप वॉक पे जाएंगे तो आपके देखिए फ्रेश एयर आप लोगे, ठीक है, और आप अच्छा फील भी करोगे। अगर आपकी सेहत अच्छी है ऑब्वियसली तो आप फील अच्छा ही करते हो, अगर सेहतमंद आप नहीं है आपका, और सबसे बड़ी चीज बल्कि जवेरिया मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ से रिलैक्स होना जरूरी है, बिकॉज वही चीज़ होती है ना कि अगर आप मेंटली रिलैक्स नहीं है, नींद नहीं आएगी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ। तो अब ये देखें जैसे समदा है माशाल्लाह, इससे इतने मरीजों को फ़र्क पड़ता है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं माशाल्लाह, वो इतना अच्छा फील करते हैं, नींद की जो प्रॉब्लम्स है, माइग्रेन हो गया, मतलब वो खत्म हो चुका है मेरी एक पेशेंट। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ मेक्रीन के हवाले से बताएं कि हम ये देखते हैं, क्योंकि आज मुझे खुद सर में बहुत दर्द हो रहा था सुबह से, मैंने कहा है अल्लाह ये बीमारी मुझे हो गई है, लेकिन वो मुझे था कि शायद वो मुझे धूप की वजह से हो रहा था। आपको पता है कि कितना एक्सट्रीम वेदर है, तो अगर आप भी बाहर जाए तो सर ढांप के जाए और पानी का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा करें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत है वो बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो है किस तरह की क्लासेस ले चुकी है, क्या आप कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो एनर्जीज है वो कैंडल की सूरत में ली हो या कलर की सूरत में ली हो, या आपने जिस तरह से वो हीलिंग दी जाती है सिर्फ वही ली है? जो समदा का लेवल 1 है उसमें आप सेल्फ हीलिंग करते हैं, लेवल 2 में फिर आप औरों की हीलिंग्स करते हैं, लेवल 3 में फिर आप एनर्जाइज करते हैं,
आप पानी को एनर्जाइज कर सकते हैं, आप अपने खाने की चीजों को एनर्जाइज, आप अपने रूम को एक तरीके से एनर्जाइज कर सकते हैं, आप हर चीज को अपने आगे एनर्जाइज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बताएं नाजरीन को कि कैसा फील होता है, सपोज अगर आप बहुत थकी हुई हैं या डिप्रेस फील कर रही हैं और आपने क्या फीलिंग्स आती हैं वो आप शेयर करें नाजरीन के साथ। उस वक्त बहुत सुकून सा एक फील होता है, बहुत सुकून, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप इन शॉर्ट मुझे तो नींद आ जाती है और फिर जब मैं उठती हूँ फिर बहुत फ्रेश होती हूँ। जब समझा मैंने फर्स्ट टाइम इसकी क्लासेस ली तो एक कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर, जो थोड़े से साइकोलॉजिकल फेयर्स होते हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं और आपको एक जिंदगी महसूस होती है अपने अंदर। अच्छा कुछ अब हम यहाँ पे नाजरीन आपसे बात करेंगे संदा के हवाले से कि ये जो है एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको हील करती है, आपके जो दुख दर्द हैं, मसले मसाइल हैं उसको ये हील करते हैं इस तरीके से कि आपको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है सर्टेन पॉइंट्स पे। ये जो है अपने मेरे ख्याल में ग्लव्स होते हैं या आप उसको क्या कहते हैं आप लोगों ने जो हाथ पे पहना हुआ होता है, सिंपल हाथ से देते हैं हम, सिंपल देते हैं, सिंपल हाथों से वो आपके सर्टेन पॉइंट्स पे आपको जो है एनर्जी देते हैं जिससे आप जो है बहुत काम डाउन फील करते हैं। सपोज जैसे आप अद्वियात से करते हैं या साइकोलॉजिस्ट की बातों से करते हैं तो आप जो है पॉजिटिव एनर्जी की वजह से अच्छा फील करते हैं। अब ये समदा क्या है, ये जी रोमाना? अच्छा जी, समदा जो है वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी है जैसे कि रेकी है, ठीक है। और समदा में ये है कि मैं वही सोच रही थी अभी, बल्कि मैं हंस रही थी कि अभी तक रेकी किसी को समझ नहीं आ रही, तो अब जब मैं समदा के ऊपर आऊंगी तो लोग कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि आप देखें अगर लोग कॉल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं कि ये कोई ऐसा माइंड साइंसेस है कि देखें जी ये भी वही बात हुई ना कि लाइफ फोर्स एनर्जीज हैं और ये भी पॉजिटिव एनर्जी है। और बल्कि इसमें मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि जो समदा है वो 99% इससे ज्यादा स्ट्रांग है रेकी से, तो आप सोचें फिर मतलब रेकी भी स्ट्रांग है और देन फिर समदा अगर आप आ जाते हैं वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि मैंने अगर खुद पर्सनली अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जो है रेकी तो ली है लेकिन समदा अभी तक नहीं लिया है, ब्रांड्स हैं रेकी के। लेकिन अब उसमें क्या होता है, लाइक थोड़ा कोई डिफरेंस है उसमें? रेकी में ये होता है कि हम लोग सिंबल्स ड्रॉ करते हैं और समदा में हम लोग सिंबल्स नहीं ड्रॉ करते, उनका तरीका कार डिफरेंट है। रेकी में ये होता है कि हम लोग फुल बॉडी देते हैं और समदा में हम सिर्फ सर पे हाथ रख लेते हैं और चेस्ट पे हाथ रखते हैं, हमें फुल बॉडी पे रेकी देने समदा देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली समदा जो है आपकी फुल बॉडी में यू नो फ्लो करती है। लीना आप बताएं कि आपने पहले इसको सीखा भी एज अ स्टूडेंट, अब तो आप देती भी हैं समदा और रेकी, सो आपका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे कन्विंस किया इसके लिए, मेरा बचपन से शौक था मेडिटेशन और मुराकबा और इन चीज़ों की तरफ, एक थी मेरे अंदर एक जस्तजू सी थी कि मैं इन चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, लेकिन वो आपको एग्जैक्टली स्पिरिचुअल जो आपके अंदर होता है लेकिन आपको रास्ता नहीं पता होता, बचपन में था लेकिन वो और तरीके थे। अभी मेरी फ्रेंड थी जिसने, वो खुद इनकी स्टूडेंट रह चुकी है डॉक्टर अब्दुल समद की और वो ये ले चुकी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, मैं गई समा वो कॉन्फ्रेंस था, वो बता रहे थे और वो बार बार ये कह रहे थे कि अभी आप नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे, वो बार बार ये एक स्टेटमेंट कह रहे थे और मैं हैरान थी कि ये कैसे होगा आप नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर जब मैंने उसका लेवल 1 अटेंड किया तो मैं फिर गई, उस सेशन खत्म होने के बाद कोई 3-4 घंटे का सेशन था, हम रात को जब हम फारिग हुए ऐसे हंस रहे थे और ऐसे खुश थे कि मैं परेशान हो रही थी कि क्या हो गया, बड़े मिरेकल्स हुए, बहुत मिरेकल्स, बड़े मिरेकल्स। और जब आप अगले दिन उठते हैं तो आपको जिंदगी का एहसास होता है अपने अंदर। आप अगर कुछ रोमाना मिरेकल्स के हवाले से बताएं कि ऐसे कौन से वाकयात हैं जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करें? जी मैं ज़रूर बताऊंगी, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली मैंने भी समदा की क्लासेस ली, 4 लेवल्स मैंने भी किए, और वहाँ पे ये था कि मेरे साथ सीट पे एक लड़की बैठी हुई थी जो कि ग्लासेस लगाती थी, ठीक है, और वो ग्लासेस में एक दिन आई तो मुझे कहती पता नहीं कैसे मैं ठीक होंगी, मुझे तो नहीं समझ आती। मैंने कहा जस्ट होप फॉर द बेस्ट, आप देखो कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट डे जब वो आई, जब हम लेवल 2 कर रहे थे, लेवल 1 तो हमने कर लिया, लेवल 2 जब कर रहे थे वो बगैर ग्लासेस के लिख रही थी एंड सब ने उनको नोटिस किया कि ये बगैर ग्लासेस के कैसे, एंड देन उन्होंने खुद नोटिस किया कि मैंने ग्लासेस नीचे रखे हुए एंड इतनी वो खुश हो गई कि मतलब देखें एक दिन में इस तरह फर्क पड़ा। इसके बहुत अब्रप्ट रिजल्ट्स होते हैं, अब्रप्ट है बिल्कुल, समदे के रिजल्ट्स और वेरी मच अब्रप्ट। मैंने वहाँ पे फीमेल्स देखी जो कि एक फीमेल थी और वो हॉस्पिटल से होके आ रही थी, तो वो बता रही थी कि वहाँ पे फीमेल्स की कतारें लग गई और वो कह रही थी मैं परेशान हो गई कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं क्योंकि एक के बाद एक और वो साथ साथ ठीक होती जा रही थी बिल्कुल सारी। मेरी ऑफिस में कुलीग थी
एंड शी वॉज हॉस्पिटलाइज. जब वो वापस आई तो उसकी हालत मैंने देखी, उसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था. मैंने वैसे कहा मेडिकल के लिए डिपार्टमेंट में आ जाओ. बिल्कुल. तो उसके बैक में शदीद पेन था. मैंने उसको लेवल 6 जो है संधा का उससे हील किया. और उसके कुछ दिन के बाद वो मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि लीना मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया लेकिन काम हो गया. माशाल्लाह माशाल्लाह. और इसमें पता है क्या, डॉक्टर्स जो हैं वो काफी आपके स्टूडेंट्स बनते हैं. सही, शी इज राइट. और समदा में ये है ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्सेस HMF के नाम से लेवल 1 लेवल 2. उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप कागज के ऊपर अपने ऑब्जेक्टिव्स लिख देते हैं. एग्जैक्टली. और उसको आप लेवल 1 से मैग्नेटाइज करते हैं. लेवल 2 से वो गोल्स जो है फिर आप उधर भेज सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा आपका कल इंटरव्यू हुआ, आप पहले से ही वहाँ पे एनर्जी भेज रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्सेज भेज रहे हैं. कल जब आप जाएंगे तो सारी चीजें स्मूथली उसी तरह हो जाती है. दैट्स वंडरफुल. अच्छा, यहाँ पे हम इनसे एक मजे की टिप लेंगे. वो हम इनसे ये लेंगे कि हमें ये बताएं कि अक्सर हम ये देखते हैं कि मियाँ बीवी या फियांसेज ये जो सिन्फे मुखालिफ के जो है ना, हमेशा लोग लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे कोई भी रिलेशन हो, बहन भाई है वो, हस्बैंड एंड वाइफ है. इनके लिए कोई टिप्स दें जो हमारे देखने वाले हैं, क्योंकि थोड़े झगड़े कम हो और किस तरह की इनको प्रैक्टिस अपनानी चाहिए. क्योंकि हम ये देखते हैं शौहर एंटर हुआ नहीं कि बीवी ने चढ़ाई कर दी, ठीक है शौहर वैसे ही गुस्से में आएगा क्योंकि मुल्क में वैसे ही लाइट नहीं है, गर्मी, लोड शेडिंग, हंगामे, दहशतगर्दी. सो हम वैसे ही जो है अंडर स्ट्रेस नेशन है. तो थोड़ी सी टिप्स बताएं खवातीन को कि वो किस तरह से चीजों को टैकल करें, और मर्दों को भी बताएं कि वो किस तरह से लाइफ को टैकल करें कि ना उनके ऑफिस में झगड़े हो ना घरों में झगड़े हो. हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर किसी रिलेशनशिप में देखते हैं ना तो हम दूसरे शख्स में उसकी खामियां तलाश करना शुरू कर देते हैं. तो उसका हल ये है कि आप आज से उस मुतलका शख्स में खूबी तलाश करें और एक लिस्ट बनानी शुरू कर दें, रोज़ाना उसकी एक खूबी लिखें. खामियां तो हैं ही, ऑलरेडी अंडरस्टूड हैं. हाँ, उसकी खूबी लिखनी शुरू कर दें. हाँ. तो आप देखेंगे चंद दिनों के बाद आपके रिलेशनशिप ठीक होना शुरू हो जाएगा. जी, यहाँ पे हम लेते हैं कॉल. जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो. जी जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पेशावर से गुलेरा नाज़िमी बोल रही हूँ. जी गुलेरा नाज़िमी. जी जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. जी जी, क्या बात करेंगी प्रोग्राम में, क्या सवाल है आपका? ये लीना से पूछना है कि रमजान में जिस्म के दर्दों का इलाज कैसे किया जाता है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल गुलराना जी. लीना, आपसे क्वेश्चन है कि समदा में कैसे दर्द का इलाज किया जाता है? आपको जहाँ तकलीफ होती है आप उधर हाथ रखते हैं और उसके डिफरेंट लेवल्स हैं. अब इन्होंने तकलीफ कौन सी बताई थी? कौन कौन सी डिजीज़? अच्छा, जोड़ों के दर्द का. तो आपने उधर हाथ रखना है और उधर एनर्जी पास ऑन करनी है. लेकिन जो लेवल 7 है समदा में, वहां से आप ऑपरेशन भी कर सकते हैं. डिफरेंट ऑपरेशंस भी हो जाते हैं. अच्छा, सो आप लोग नहीं समझते कि जब ऑपरेशंस हो रही होती हैं, जो इमरजेंसी है हॉस्पिटल की या ओपीडी है, उसमें जो है माइंड सेंसिटिव एक्सपर्ट कितने जरूरी है? मैं करती हूँ, बिल्कुल. मैं क्लिनिक्स जाती हूँ, हॉस्पिटल्स में जहाँ भी मेरी जरूरत होती है मैं जाके करती हूँ, जहाँ भी सर्जरीज हो रही होती है. अच्छा, मैं आपसे भी ये पूछूंगी, क्या समदा में भी इस किस्म का कुछ है कि मतलब आप पेट्स को, आप प्लांट्स को भी दे सकते हैं? हाँ, मैंने अभी तक तो नहीं अप्लाई किया, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है जो कि सारे लेवल्स वो भी कर चुकी है, तो उसने मुझे बताया था कि वो चिड़िया थी एक, जिसका पर में कोई मसला हो गया था, वो नीचे गिर गई थी. और उसने मुझे बताया कि उसने जब समदा किया तो वो उड़ना शुरू कर दिया. बस अब हम इस वक्त बिल्कुल कंक्लूजन पे हैं प्रोग्राम के, तो मैं अपने तीनों जो मेहमानों से ये कहूंगी कि वो मैसेजेस दें. डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देंगे जाने से पहले? हाँ, मेरा मैसेज यही है कि अल्लाह ताला ने आप में जो शफाई तवानाइयाँ रखी हैं उनको काम में लाएं, नेचर के करीब रहें, अपनी गिज़ा का ख्याल रखें, वर्जिश का ख्याल रखें और खुश रहें और सबको खुश रखें. लीना, आप क्या कहेंगी? मेरा तो यही मैसेज है कि एटलीस्ट रेखी और समदा जो है तमाम MBBS डॉक्टर्स को करना चाहिए और इसको मैंडेटरी कोर्स बना दिया जाए. और क्योंकि इससे अवेयरनेस आएगी और जब आप दोनों चीज़ें साथ कर लें, साइंस MBBS की डिग्री और ये, तो आई थिंक सो इट विल डू वंडर्स. जी रुवाना, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारी इतनी खूबसूरत कायनात बनाई है, मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी बहन भाई हैं, जो भी हैं, जितने भी लोग हैं हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं. इसमें जितनी तवानाइयाँ हैं, जितनी ताकतें हैं, उससे फ़ायदा उठाएं. फ़ायदा कैसे उठाएंगे? अगर आप रेकी के लेवल्स कर लेंगे या आप समदा के लेवल्स कर लेंगे. और अपनी सेहत सबसे पहले, आपकी वही बात है, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि सेहत सबसे पहले है. हेल्थ इज़ वेल्थ.